हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के टेस्ट बुक के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो मैंने आपको टेस्ट बुक के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए थे। आपने अगर उनको नहीं देखा है, अगर आप ज़्यादा याद करना चाहते हो तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और अगर आप 30 को याद करना चाहते हो अच्छे से, अगर आप इनको भी अच्छे से याद कर लोगे तब भी आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला जाओगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से आपके 22 नंबर के प्रश्न आएंगे, 22 के। इन 30 प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके 22 नंबर पक्के हो जाएंगे, 22। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, आपने बहुत बार किया भी होगा इनको याद। तो देखो, इसमें मैं आपको 15 प्रश्न ऐसे पर टिक लगाऊंगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों में से भी मैं 15 प्रश्नों पर टिक लगाऊंगा। अगर जिनसे यह प्रश्न भी याद नहीं हो रहे हैं तो वह पहले 15 प्रश्नों को याद करें, और जिनसे याद हो गए हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं या उन्होंने कर लिए हैं तो अब पहले आप भी टिक वालों को याद करें, बाद में आप बिना टिक वालों को याद कर लें। ओके, यानी करना तो पूरे है, पहले आप टिक वालों को अच्छे से याद कर लें। ओके, जिन्हें आप बिल्कुल भी याद नहीं है वो पहले टिक वाले याद कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, इसका जो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, दो नंबर में। ओके, यह प्रश्न दो नंबर के लिए। व्हाट डिसेबिलिटी डिड मनी हैव, बहुत ज़्यादा मोस्ट हैवी प्रश्न। मैं आपको इसमें 15 टिक लगाऊंगा, दो हो गए आपके। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकोनी। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, एक भी टेस्ट बुक का। इससे अगली वाली वीडियो मैं आपको वर्क बुक का बताऊँगा, और मैंने आपको रिपोर्ट और एप्लीकेशन बता दिए पहले ही बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, अब आइए तीसरा प्रश्न है, हाउ वाज द वर्ड फेड। ओके, पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। छठवा प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, चार नंबर के लिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट हैपन्स इफ वी प्रेजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ओके, अगला है, व्हाट वाई द पीपल रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड। यह भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नवा प्रश्न है कि व्हाट इज द टायर ऑफ द अर्थ। यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, Which actions of the wind are described in the poem? अगला प्रश्न है, How can free up time? अगला प्रश्न है, What are compound zones? तो यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एग्जाम में करके जाएं। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि What are natural laws? How do they affect our lives? तो यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अंक चार के लिए है, उन पर मैंने चार अंक डाल दिया है। ओके, अगला प्रश्न है कि Why should we leave our comfort zones and how? ठीक है, अगला प्रश्न आपका, What was the topic of discussion at Dubney? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा, इसको आप अच्छे से करके जाएं। अगला प्रश्न है कि What is selfishness according to the poet? यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, What is the difference between selfishness and helpless man? ओके, यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जाए। ओके, अगला है कि What did Birju see when he peeped into the hut? यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, What does the brand consist of? अगला है इसके बाद, How does the brand react in emergency situation? अगला प्रश्न है,
व्हाट इज ए ब्लड ब्रेन बैरियर, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। वैसे तो इसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सभी को कर लोगे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपने अगर ज़्यादा प्रश्न याद कर लिए, यानी जो मैंने आपको पहले दिए थे अगर आपने उनको कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यानी इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से भी आपका आएगा एग्जाम, ओके, आप टेंशन ना लें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% पूछा जाए एग्जाम में, अंक 4 के लिए या फिर अंक 2 के लिए, इन दोनों प्रश्नों में से 100% आएगा, 100% एग्जाम में, 100% से कह सकता हूँ, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पक्का आएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट आर द टू मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाउ कैन रीच द टेम्पल, हाउ कैन रीच द टेम्पल। अगला प्रश्न है, हाँ यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ ये वाला प्रश्न जो 25वां प्रश्न आपका, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 2020 वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस साल ज़रूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका, मेक ए लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटीज एज सस्टेड बाई डॉक्टर कलाम, ठीक है, जो डॉक्टर कलाम कि जो सिविक ड्यूटीज एज ए सस्टेड, जो सस्टेड हैं डॉक्टर कलाम के, उनको आपको लिखना है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार यह 3 साल आया है, फिर 19 में नहीं आया है, इसीलिए 20 में इसके आने के चांस हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि राइट टू वेज इन विच द क्राउज रिटेड द ऑथर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप इन सभी को याद कर लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाई डज द फॉरेस्ट नेवी द रिवर, व्हाई डज द फॉरेस्ट नेवी द रिवर, इसको भी आप कर सकते हो याद। अगला प्रश्न है व्हाट आर द इम्पेडिमेंट, ठीक है, इन इंडियाज डेवलपमेंट, यह प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाए अच्छे से याद, ओके। अगला प्रश्न आपका, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो आपको लगभग लगभग इसमें सभी याद करने, अगर आप सभी याद कर लोगे तो आपको रिस्क नहीं रहेगी, आप अगर इन सभी को याद कर लेते हो तो एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कृपया करके शेयर करते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को शेयर करते हैं ताकि वही भी अच्छे अंक ला सके एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वर्कबुक के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तब तक के लिए आप इनको याद करो, और याद हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमने याद कर लिया, ओके, तो धन्यवाद।